हलका नाभा दे पिंड दुल दी स्थित गुरद्वारा श्री गुरु नानक प्रकाश दे प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित हैड ग्रंथी ज्ञानी हरपाल सिंह दी मेहनत सदका बच्चियां दे दस्तार अते गुरबाणी कंठ मुकाबले करवाए, जिस विच विशेष तौर ते संगरूर तों सूबेदार मक्खण सिंह ने शमूलियत कीती। वड्डी गिणती च गुरबाणी कंठ अते दस्तार मुकाबलियां विच भाग लैण वाले सारे बच्चियां दा प्रबंधक कमेटी वल्लों जिथे सन्मान किया, उत्थे पहले दूजे अते तीजे नंबर ते आउण वाले बच्चियां दा विशेष सन्मान होया है। भाग लैण वाले बच्चियां ने वख-वख तरीके दीआं दस्तारां दित्ते समें विच सजाईआं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा ये विशेष समागम जिहड़ा उह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश दिहाड़े नूं मनाउंदे आ। ये दस्तार मुकाबला, गत्तके मुकाबले ते गुरबाणी कंठ मुकाबले दा आयोजित किया गया। पिछले तकरीबन 1 तरीक तो 7 तरीक तक विशेष तौर पर सिखलाई कैंप लाया गया सी, जिहदे च बहुत बच्चों ने भाग लिया। बड़ा उत्साह वेखण नूं मिलिया, खास करके छोटे एज ग्रुप 10 तो 15 साल के बच्चों का। विशेष तौर पर मैं वेख्या उन्होंने विच उद्यम जिहड़ा उन्होंने बहुत विशेष रुचि दे नाल भाग लिया। तो अज तकरीबन 40-45 बच्चों ने मुकाबले च हिस्सा लिया, जिन्हां चों 2 ग्रुप बना के अड अड बड़े ते छोटे बच्चों का मुकाबले करवाए गए। तो जिहड़े बच्चों ने इहदे च पोजिशन हासिल कीतियां उन्होंने सन्मानित किया गया। उपराला करन दा इक्को इक मकसद है कि साडे बच्चे, क्योंकि समय दी लोड़ है, वो जुड़ सकन गुरबाणी दे नाल, गुरमर्यादा दे नाल। सो इस करके असी कोशिश करदे आ समय समय ते इस तरह दे समागम आयोजित करके बच्चियां नूं जोड़ सकीए। बच्चे साडे देश दा भविख ने, ते लोड़ है समय दी। समां बहुत तेजी नाल बदल रहा है, जिस तरह दीआं हालात बन रहे ने, बच्चे नशियां वल जा रहे ने। सो साडे बच्चे इन्हां बुराइयां तों बच सकन, गुरू दे लड़ लग सकन, इस करके कोशिश करदे आं समय समय ते असीं इस तरह दे उपराले करदे रहिए। समुची संगत दे सहयोग दे नाल अज दा इह प्रोग्राम असीं आयोजित कीता ते उस नूं निभाउण दी कोशिश। ये जिहड़ा जिम्मेवारियां ने ना, कि साडा सभ्याचार जिहड़ा बणदा हुण, जिहड़ी साडी कमेटी उहदा सभ्याचार इदां दा बण गया कि उहनां नूं महसूस नहीं हुंदा कि जिम्मेवारी उहनां दे हिस्से आउंदी आ, जिस करके कई सज्जन, मतलब ये नहीं हैगा भी सारे सज्जन ही लापरवाह ने, पर एहसास ही खत्म हो गया उन्होंने विचों। मैं समझता भी ये साढ़े लिए अत्यंत जरूरी कदम ने साढ़े, कि जे हुण असीं बच्चों संभालांगे तो इन्हां नूं पता लगू। संगत एक बड़ी चीज़ जिहड़ी गुरु साहब ने सानू दित्ती है, वो साढ़े बच्चों की ताजी संगत बननी है। जे असीं इस तरह के साढ़े समागम होणगे, बच्चे जुड़नगे, नहीं तो बच्चे कल्ले कल्ले स्कूलों कालजों के महसूस कलापापन करते हैं, भी मैं दूसरे नूं खिझा देंदे आ जां चिड़ा देंदे आ। जे असीं इस तरह का, ये मेरा अपना भी निजी अनुभव रहा है कि असीं बच्चों के नाल काफ़ी लंबे टाइम तो जुड़े हाँ। असीं 12-14 कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किए ने, उहदे च बच्चों के इत्थे भी कुछ बच्चे मैनूं हुणे पता लगे भी बाहर आए ने, शायद मिलना मैं तां ही सिक्खी लई सिक्खी नूं संभाल सके कि उन्होंने एक ग्रुप बन गया एक दूसरे दे। दूसरा वड्डा पक्ष मैं समझदा भी साडे ग्रंथी सिंघां दा, मैं अंदर भी ये बेनती करके आया कि ग्रंथी सिंह की बहुत वड्डी जिम्मेवारी भी है, तो ग्रंथी सिंह दे जीवन का प्रभाव भी है। जिद्दां इत्थों दे भाई हरपाल सिंह उन्होंने उद्यम किया, ये मैं समझदा पहलां भी इन्हां दे कई बच्चे मैनूं मिले आ जिहड़े इन्हां तों प्रेरित ने। ये ग्रंथी सिंघां दी विशेष तौर पर ड्यूटी बनदे, भावें SGPC दे विच भी क्यों ना होण। मैं भगत पूर्ण सिंह दी उदाहरण दित्ती सीगी कि उहनां नूं जे असीं पढ़दे आ, भगत पूर्ण सिंह भी एक सिख नूं देख के हिंदू परिवार दे विचों आए सी, जिहड़े महाराजा पटियाला दे गनमैन सीगे, उहनां दी दस्तार तों प्रभावित होकर भगत पूर्ण सिंह दा पहला झुकाव इधर नूं बणिया सी फतेहगढ़ साहब दे जोड़ मेले ते। सो साडे ग्रंथी सिंघां नूं ये विशेष उपराले उद्यम करने चाहिए ने, कल्ले पाठां जां जिहड़े साडे खुशियां गमियां दे समागम ने उत्थों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रबंधक कमेटियां दा मैं सब तो जरूर उन्हां नूं बेनती करूँगा हाथ बन के, कि ये कमेटियां उद्यम करन के ग्रंथी सिंघां दे नूं इन्ना साधन संपन्न बनाउण कि उन्हां नूं इन्ने अपनी जिम्मेवारियों का अहसास हो जाए। ये ना हो कि बेचारे 2-2, 4-4 रुपईआं पिछे, मतलब इस गुरमत नूं छड्ड के एक जिहड़ा बिल्कुल ही कर्म कांड जे वल ना, जिहड़ा सानूं ब्राह्मणवाद चों मारन कढे सी, उस पासे वल ना लैके जाण, जिवें अज ग्रंथी ने बेचारे अरदास भेट प्रचार लई नहीं। और बहुतियां दा मुख उद्यम है जो ग्रंथियों बहुत सत्कार देन ते उन्हां दी लोड़ां पूरियां करन, ते ग्रंथी सिंह अपना उच्चा जीवन बाणी दे आसरे अनुसार चलन।